क्या आपको पता है कि पाई एक ऐसा सिंबल है जिसके आगे सुपर कंप्यूटर तक को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। पाई की कुछ वैल्यू निकालने के लिए कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर पाई की वैल्यू नहीं निकल पाई। पाई एक ऐसा नंबर है जिसने दुनिया भर में मौजूद बहुत से साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये इतना खास क्यों है। एक और मजेदार बात तो इसके बारे में ये है कि इस नंबर का ग्रेट साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। और आज के इस एपिसोड में हम पाई से जुड़ी कुछ ऐसे दिलचस्प चीजों को जानेंगे जिसको सुनकर आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाओगे। आपने ये तो सुना ही होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और किसी भी चीज का आविष्कार तभी होता है जब हमें उसकी जरूरत महसूस होती है। जैसे जब हमें लाइट की जरूरत पड़ने लगी तो हमने बल्ब का इन्वेंशन किया, और जब हम इंसानों को अपने प्रियजनों की कमी महसूस होने लगी तो हमने टेलीफोन का इन्वेंशन किया। इस तरह 3500 BC में लोगों को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, और तभी मनुष्य ने पहियों का आविष्कार किया। पर पहिए पूरी तरह से गोल न बन पाने के कारण सामान गिरने का जोखिम बना रहता था और बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती थी। पर जैसे समय बीतता गया वैसे पहिए गोल होने लगे, और लोगों ने समझा कि अगर किसी पहिए का डायमीटर 7 यूनिट है तो उसकी सर्कमफेरेंस 22 यूनिट की होनी चाहिए, तभी पहिया गोल हो पाएगा। इसी से इंसानों ने जाना कि किसी सर्कल का डायमीटर और उसकी सर्कमफेरेंस का रेशियो एक कांस्टेंट होगा, चाहे वो सर्कल छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, और उससे नाम दिया गया पाई। पाई ग्रीक अल्फाबेट का 16वां अक्षर है, और उस कांस्टेंट का नाम पाई रखने का एक ये कारण भी हो सकता है कि ग्रीक भाषा में सर्कमफेरेंस को पेरिफेरी और पेरीमीटर को पेरीमेट्रिक कहा जाता है। पर आप कहेंगे कि हमने स्कूल में पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14285 पढ़ी थी, पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये झूठ है, क्योंकि पाई तो एक इरेशनल नंबर है, ऐसे नंबर जो कभी भी रिपीट और खत्म नहीं होते। पर पाई की असल वैल्यू डेसिमल के 5 प्लेस बाद तक है, यानी 3.14159। और इस चीज को जानने के लिए कि कभी ना कभी तो पाई की वैल्यू खत्म होगी, सुपर कंप्यूटर ने पाई की डेसिमल के बाद 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा वैल्यू निकाली, पर अंत में सुपर कंप्यूटर ने भी हार मान ली। और इसके अलावा बहुत से महान साइंटिस्ट इसकी वैल्यू निकालते निकालते खुद तो गुजर गए, पर पाई की वैल्यू आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। अब मैं आपको पाई से जुड़ी कुछ अनोखे रहस्यों के बारे में बताऊंगा। क्या आपको पता है कि एक जर्मन मैथमेटिशियन जिनका नाम लुडोल्फ वुल्फ था, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाई की 35 वैल्यू निकालने में लगा दी। जैसे दुनिया भर में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, वैसे ही पाई डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। पाई डे 14 मार्च को 1:59 पर मनाया जाता है, और इसी टाइम पे मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। इस चीज को समझने के लिए हमें एक बार फिर पाई की वैल्यू पर आना होगा। अगर आप पाई के डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखोगे, यानी 3.14, तो आप आसानी से पाई डे के पीछे छुपे हुए राज को जान पाओगे। और पाई डे के टाइम को समझने के लिए हमें पाई के डेसिमल के बाद 3 वैल्यू को और देखना होगा, जो कि 3.14159 है। अब आप पाई डे की मिस्ट्री को तो समझ ही गए होंगे। अब आप पाई डे से जुड़ी उन बातों को सुनोगे जिनको सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे, और शायद ये एक कोइंसिडेंस है या फिर हमारे कुदरत का एक अनोखा करिश्मा। क्योंकि जिस दिन पाई डे को दुनिया भर में सेलिब्रेट करते हैं, उसी दिन इतिहास के एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, और एक और महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु हुई थी। इतनी देर से हम पाई के बारे में बातें कर रहे हैं, और हमने पाई से रिलेटेड बहुत सी अनोखी बातें जान ली, पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर वो पाई डिस्कवर ही नहीं होता? अगर ऐसा होता तो आज हमारा एक भी स्पेस मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता, और ना ही इंसान एरोप्लेन को बनाने में कामयाब हो पाते। क्योंकि इन सभी चीजों के आर्किटेक्चर को बनाने के लिए हमें पाई की बहुत जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि नासा जैसी बड़ी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सभी स्पेस मिशन में पाई की 15 वैल्यू से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं किया। नासा का सबसे पुराना स्पेस मिशन वॉयेजर 1 आज धरती से 12 मिलियन माइल्स दूर चला गया है। अगर हम वहां से कैलकुलेशन करें कि वो अर्थ के सेंटर से कितना बड़ा सर्कल बनाएगा, तो इस कैलकुलेशन के लिए हमें इसका सिंपल सर्कमफेरेंस निकालना था, और नासा ने इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में पाई की 15 डिजिट का यूज किया, और उन्हें सिर्फ 1.5 इंच का एरर ही देखने को मिला। अब मैं आपको पाई से रिलेटेड एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसको जानकर आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। फैक्ट ये है कि अगर हम आज के विजिबल यूनिवर्स की मैथमेटिकल सर्कमफेरेंस निकालने की कोशिश करें, तो हमें पाई की सिर्फ 39 डिजिट की ही जरूरत होगी। और दिमाग हिला देने वाली बात तो ये है कि उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम जितना ही एरर आएगा। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और आपके हिसाब से क्या पाई का वैल्यू कभी निकाल पाना मुमकिन होगा?
हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।